को ही मुसलमानों के अनुचित चित्रण के लिए पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान और शाहरुख खान अभिनीत फिल्म की रिलीज की चर्चा पिछले सप्ताह से ही थी, लेकिन केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करने का निर्णय लिया है। खबर है कि रईस के कंटेंट को वहां के सेंसर बोर्ड ने सही नहीं माना। सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के बाद पाया कि फिल्म में मुसलमानों को नेगेटिव तरीके से पेश किया गया है और फिल्म में मुस्लिमों को गैंगस्टर और आतंकवादी दिखाया गया है। पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्म की रिलीज पर लंबे समय से लगी रोक के बाद 1 फरवरी को ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी है। पिछले साल सितंबर में जम्मू कश्मीर उड़ी में हुए आतंकवादी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत में एमएनएस द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने का फैसला लिया गया था और ये भी फैसला किया गया था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हो जाते तब तक पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में फिल्म प्रमोशन के लिए लाना अनुचित है। ऑनेस्ट रिपोर्ट।